नाव, नैया, पतवार, ये सब नाम हैं लकड़ी से बनी उन छोटी इमारतों के जो कभी झील, कभी दरिया और कभी समंदर के पानियों में लहराती इठलाती फिरती हैं। शदीद मुशक्कत, कसीर सरमाए और सब्र आजमा मराहिल से गुजरकर तैयार होने वाली समंदर की रानी पानियों पर हुक्मरानी के लिए बहुत से हुनरमंदों की मोहताज होती है, जिन्हें कश्ती सास के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े दरख्तों को लकड़ी के साफ सुथरे टुकड़ों में तब्दील करने और फिर इन पर फनो महारत का मलमा चढ़ाकर खूबसूरत कश्तियां तैयार करने में पाकिस्तानी कारीगरों का दुनिया भर में कोई सानी नहीं। समंदर के किनारे आबाद कराची की कई कदीम बस्तियों में से एक इब्राहिम हैदरी भी है। माहीगिरी इस बस्ती की पहचान, इसके अलावा मच्छरों का जरिया रोजगार बनने वाली कश्तियां तैयार करने वाले भी अक्सर यहीं के मकी हैं, जो दिन रात काम में जुटकर दरख्तों से हासिल किए गए लकड़ी के कारामत टुकड़ों में तब्दील करके देव हेकल कश्तियां तैयार कर। देवहेकल दरख्तों के तनों को लकड़ी के पट्टों में तब्दील करके फौरी बाद से ही कश्ती बनाने का अमल शुरू किया जाता है। कश्ती की बुनियाद ना ये तर होता है, ये कश्ती की बुनियाद ये तर, इसके बाद ये लगेगा मोरा आगे वाला, आगे वाले मोरे से फिर वो आगे वाला लगाओ या पीछे वाला लगाओ, ये दोनों लगेंगे मोरा, फिर इसके ऊपर बैठेगा पाटिया। सबसे पहले लांच की जो बुनियाद की नीचे की लकड़ी है जिसको हम तर कहते हैं या फिर कराची वाले उसको पठान कहते हैं, उसका बुनियाद वही है। उसके ऊपर तीर छुरा मोरा और कांतरा यानी आगे और पीछे के जो सपोर्टी हैं वो लगाई जाती हैं। लकड़ियों को काटने के बाद उन्हें मखसूस शक्ल में ढालने और मोड़ने के लिए मुख्तलिफ औजारों के इस्तेमाल समेत हीट देने की ट्रिक भी इस्तेमाल की जाती है। ये बल ले लेगा पूरा, फिर उसको ठंडा करेंगे आधा घंटा, उसके बाद फिर जाके लगाएंगे। इसका ये तार हो गया और ये आगे वाला मोरा, पीछे वाला मोरा, ये पाटिया लगा, ये पाटा लगा और ये रखेंगे खुरमा कच्चा, ये फिर निकाल लेंगे, ये खुरमा है कच्चा, कच्चा खुरमे के ऊपर ऐसे पाटा आएगा, ऐसे ये समझो ऐसे ये दीवार होएगा जैसे ये बना हुआ है किसी। कश्ती बनाने के दौरान कारीगर इसके मुख्तलिफ हिस्सों को पठान, मात, ठप्पी, बवाम था और मोहरा जैसे मुख्तलिफ नाम दे देता है। तार में ये पाटा लगेगा, इस पाटे में ऐसे पाटे चढ़ते आएंगे, चढ़ते आएंगे, ये भी तार बनेगा, ये सारा ये तार होएगा इसका कश्ती का, तार बनेगा ये। कराची में तैयार होने वाली कश्तियां आमतौर पर कील और चिलगोजे के दरख्त की लकड़ी से बनाई जाती हैं। लकड़ी से बनने वाले इस शाहकार को तैयारी के दौरान ही पानी से मुतारिफ कराया जाता है और फाइनल टच देने से कबल कई दिन के लिए पानी में छोड़ा जाता है और फिर वापस निकाल लिया जाता है। ये इसकी डर कंप्लीट हो चुकी है, ये चीये लग गए, अभी इसके ऊपर समझो कि दीवार उठना शुरू होगी, जैसे ये अभी डर कंप्लीट है, ये समझो कि नाप होगा यहाँ से, इसका यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया चिया, ये आ गया चिया, ये दूसरा चिया, इसके बाद अब पाटिया लगेगा इसके ऊपर,
चौड़ा पाटिया लगेगा, उसके बाद इसकी दीवार उठना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 22 फीट की बनी हुई है, डर बनी हुई है, इसका पठान है 22 फीट का। मोरों के साथ ये ऊपर से आ जाएगी तकरीबन 30 से 32 फीट। ये इसका मोरा, ये यहाँ तक आएगी, तकरीबन यहाँ तक आएगी, जाके यहाँ इसकी बॉडी कंप्लीट होगी। माहिगीर इन्हीं कश्तियों में बैठकर समंदर के कुशादा सीने में रिस्क तलाशते हैं। एक कश्ती 5 से 10 साल तक बिना किसी मरम्मत के पानी की ताकतवर मौजों से जूझती है। इसकी लाइफ तकरीबन, अगर इसको एक मालिक है अपने हिसाब से इसको संभाल के चलता है तो ये 10 साल भी निकाल लेगी। अगर कोई दबाने वाला होगा तो भी ये समझो कि 4 या 5 साल तो इसकी आराम से लाइफ होगी, उसके बाद जाके ये काम लेगी। ये देखा ना जो पाटे लग रहे हैं, ये ऐसे बनते हैं कि ये हुड़े की दीवार बन रही है। बारह 13 साल का था तो शुरू हुआ इस काम में। पहले 4 पाई बस बनाता था, दादा हमारा काम नहीं करता था, खाली हमारा वालिद काम करता था बस। वो उधर 4 पाई बनाता था, वो किश्ती का काम नहीं करता था। कश्ती की तैयारी में वक्त, सरमाए और मजदूरों की तादाद का इन्हिसार इसके साइज पर होता है। इसके अलावा कश्ती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी भी कश्ती की लागत पर असरअंदाज होती है। ना मकसद लकड़ी कभी महंगी होती है, कभी सस्ती होती है, हैं? बस इसमें दिहाड़ी छूट जाती है ठेकेदारों को, ज्यादा बचत नहीं है। तो उसमें इस कश्ती में जो है ना 4 बंदे हुए तो 2 महीने में ये तैयार हो जाता है, ये 36 फुट का। अब ठीके में ये होता है कि भाई लकड़ी भी उसकी, उस कारीगर की जो बनाएगा वो खुद लेके आएगा, उनको हम लमसम बोलेंगे कि ये पैसा दे दो। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वो बोलेंगे कि भाई आपकी मजदूरी बताओ, लकड़ा हम आपको देंगे अपनी पसंद का। तो उसमें और इस चीज़ में फ़र्क होता है। जैसे बंदा इमारत बनाता है ठीके की और अपने हाथ से, इसी तरह जो लाच अपने हाथ से और ठीके की बनती है उसमें फ़र्क होता है। जैसे समझो कि बर्माटिक की ले ली तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, अगर चिलगोजे की ले ली तो उसकी लागत थोड़ी कम आ जाएगी, अगर शीशम लगाओगे तो उसके हिसाब से पैसे लगेंगे, क्योंकि हर किसी की लकड़ी का रेट ही मुख्तलिफ होता है तो उसके हिसाब से लागत भी मुख्तलिफ होती है। लागत तो साइज़ पर भी आती है, लंबाई पर भी आती है। जैसे लंबी करोगे उसके हिसाब से वो उसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, उसकी गहराई भी बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से उसकी लागत भी बढ़ जाएगी। कम से कम समझो कि 12 से 13 फीट की होती है, 8 फीट की बनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 फीट की बनती है, 45 फीट की बनती है। दो से तीन बंदे इस पे काम पे लगते हैं, एक होता है ठेकेदार जो ठेका पकड़ता है, 2 उसके कारीगर होते हैं जिसकी समझो कि रोज़ की उजरत होती है 600 से 700 रुपये एक बंदे की। दिहाड़ी होती है, वो समझो कि दिहाड़ी के हिसाब से काम करता है। 30 फीट की कश्ती होगी, उसके हिसाब से उस पर समझो कि तकरीबन 5 या 6 बंदे काम करेंगे। अगर 28 फीट की होगी तो वो ही बंदे उस पर भी चल जाएंगे। अगर 22-23 फीट की होगी तो फिर 2 से 3 बंदे काम करते हैं उसके ऊपर। अगर बड़ी लांच हो गई कार्गो तो उसके ऊपर समझो कि 10 से 12 बंदे काम करते हैं।
ये किश्ती जो है ना 36 फुट का, ये मकसद है चार बंदे हुए ना तो एक जैसे काम करने वाले, तो मकसद है 2 महीने सवा 2 महीने में आराम से बन जाएगा। मच्छरों के लिए ये कश्ती बन रही है ना, मछली मारने जाएंगे, ये 36 फुट की बन रही है। इसमें ये चिरगोजा लगा हुआ है और ये मोरा जो है ये टाली का है, और अंदर से जो काठियाँ आएंगी जो तुम्हारे को दिखाई थी काठियाँ, वो भी टाली की आएंगी। ये है ले, ये हम बना के इस शेप में लाते हैं इसको, इसकी ये कटता है जब ऐसा होता है। फिर इसको हम अंदर लगा के कलम डालते हैं, कलम डालने के बाद हम इसको इसकी शेप में लाते हैं, शेप में लाने के बाद हम इसको लगाते हैं कीलों से। फिर उस तार में ये काठी लगेगी, ये वाला काठी लगेगा, ये वाला काठी, इसको बोलते हैं ले बोलते हैं, काठी भी बोलते हैं। पंजाब की कश्ती का ये पस्सू हो गया, मुन्ना हो गया, ये चीज़ बोलते हैं इसको, इधर बोलते हैं ले काठी, ये चीज़ बोलते हैं इधर। अच्छा, नस्ल दर नस्ल ये है कि समझो कि मेरा वालिद था उसने मुझे सिखाया, अब जो समझो कि मेरा बेटा होगा मैं उसे सिखाऊंगा, इसी हिसाब से चल रहा है ये। अगर मेरा बेटा है वो नहीं सीखना चाहेगा तो वो नहीं आ सकता इसमें। ये एक शौक़ होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, अपना नाम कमाना है इसके अंदर, तो फिर ये समझो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। अच्छा, ये है इसकी ले जो कंप्लीट लगी हुई है, इसकी ले कंप्लीट है, ये भी चिलगोजे की है, इसकी बाड़ियाँ भी यहाँ तक आएगी, ये इसको कीकर की जाना लगेगी। जानवर ये समझो कि आखिरी पार्टी को जानवर बोलते हैं। ऐसे आरी निकालते आएंगे, ये बैठ जाएगा, 2 आरी निकलेगा या 3 निकलेगा, बस ये बैठ जाएगा। जी इस तरह से दीवार बन जाएगी मुकम्मल, जिधर जिधर भी सुराख होएगा उधर वो छोटी गुड़दी बना के लगा देंगे, इधर मकसद है इसको कंप्लीट करके देंगे। ये आ गई दीवार, अब इसका नाप चलेगा कि भाई 4 फुट रखनी है, 4.25 फुट रखनी है, उसके हिसाब से ये दीवार बनेगी। फिर इसको बोलते हैं गोला, फिर ये लगेगा गोला उसके ऊपर, इसको अभी मशीन पर काटने जा रहे हैं। दिलचस्प और हैरत की बात है, इस कदर खूबसूरत और कुशादा डिजाइनदार कश्तियां बनाने वाले न नक्शा देखते हैं और ना कोई फरमा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी बनी तस्वीर को बड़ी बड़ी कश्तियों में ढाल देते हैं। नहीं, ना कोई नक्शा ना कोई फरमा कुछ भी नहीं होता, अपने दिमाग के हिसाब से बनाते हैं। नहीं, इसमें जो है वो ड्राइंग नहीं है बिल्कुल, या इसमें कोई नाप तोल जो है वो नहीं है, लेकिन अपनी जगह पे है, क्योंकि वो जब उसका नमूना कैसा भी बने लेकिन जब वो नीचे से बनना शुरू होगी तो उसका साइज जो है वो भी देखती आएगी, जैसा पार्टियाँ यहाँ पे लगे वैसा ही वहाँ पे लगे, जितना नाप यहाँ पे आए उतना ही नाप यहाँ पे आए, जितना ही ऊंचाई वहाँ से आए उतना ही ऊंचाई ना से आए, ताकि वो अपना बैलेंस जो है बरकरार रख सके। अगर एक साइड ऊपर हो गई और एक साइड नीचे हो गई तो एक तरफ वो कश्ती झुक जाएगी। कश्ती का बड़ा और माहिर कारीगर वाडा कहलाता है, एक वाडा बनने में 10 से 12 साल लगते हैं। दस से बारह साल लगते हैं एक वाडा बनने में, कारीगर वाडा बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। अगर पहले काम शुरू करोगे तो पहले तुम्हें काम करने तो देंगे नहीं, आराम आराम से उसको काम करने देंगे तो उसको 10 से 12 साल लग जाते हैं वाडा बनने में। जो वाडे थे कश्ती बनाने वाले वो बड़े मशहूर थे,
एक जो है उनको गोलानी के नाम से याद किया जाता था, एक जो है उनको वंगूरों के नाम से याद किया जाता था। तो ये दो तरह के इस तरह की पूरे इब्राहिम मदरी में लोग थे जो कश्तियाँ बनाने के माहिर थे। उसके तीसरे नंबर पर दबला बाबू रानी का नाम आता था, पर तीसरे नंबर पे वो थे। इस वक्त ये है कि इन तीनों जो बड़े लोग थे उनके 10-10, 12-12 शागिर्द थे। अब वो उस्ताद बने, उनसे शागिर्द हुए, अब वो उस्ताद बने, इस तरह जो है ये सिस्टम बढ़ा। ये पहले इसको सेट किया, सेट नहीं हुआ, बाहर हुआ, अभी इसको फिर सेट कर रहे हैं, इसको पूरा बिठाएंगे अंदर। ये इसको हत्था बोलते हैं, इसको कलम बोलते हैं, ये कलम इसको कर रहा हूँ मैं। लगा ना गोला जैसे वो लग रहे, दिखाया आपको ये, उसके बाद ये अड्डे लगे हुए हैं, ये अड्डे लगे, ये ऊपर पाटा लगा, ये छत बनी, छत बन गई, ये हाली कच्चा है, इसको पक्का करना है, जाम करना है, किला मिला लगाना है। ये फन्ना बन गया, ये आगे वाला, ये आगे वाला फन्ना है, वो पीछे वाला है, ये समझो किश्ती तैयार होगी। यहाँ इसी पे इंजन बैठाएगी, वहाँ से इसका छेद होगा जिसमें से गैलन लगेगा, पीछे शाप जाएगी। जितनी साइज़ की कश्ती होगी उसके हिसाब से उसकी इंजन लगाते हैं। जैसे 26 फीट की है तो इस पे तकरीबन 28 से 3000 सीसी लगाएंगे डीजल इंजन। अगर छोटी है तो 2200-1800, अगर उससे छोटी हो गई तो फिर चाइना फीटर लगा देते हैं उसको। इसको बोलते हैं थम्बली। एक ये लगा हुआ है, हाँ, इसके ऊपर अब लगाएंगे माड, उसको सिंधी में बोलते हैं माड, वो लगेगी यहाँ से, उसको उर्दू में बोलते हैं थप्पी, वो लगेगी दो, फिर तीन उसके ऊपर ऐसे आएंगी जैसे वो लगी हुई है, जैसे उसके ऊपर लगी हुई है ऐसे लगेंगी, फिर वो समझो कि एक छांव बनाने के काम में आ जाएगी। और ये है रऊ, इसको बोलते हैं रऊ, यहाँ पर उसका स्टेरिंग लगेगा जिसको हम सुखान बोलते हैं, वो यहाँ लगेगा। हमारी ज़बान में तो इसको बोलते हैं पुआ, हाँ, समझो कि पिछला हिस्सा ये हो गया पुआ, यहाँ पर सुखान आएगा स्टेरिंग इसका। इसको ये समझो कंप्लीट हो जाएगी तो पहले तो इसको कलर होगा, कलर हो के अपना काम समझो कि कलर वाले का काम ख़त्म होगा, उसके बाद हम इसको तेल लगाएंगे। वो तेल सरसों का तेल लगाते हैं इसको पहले। आज मैं आपको दिखाता हूँ तैयार। अच्छा, जैसे ये रखी हुई है तैयार, ये कंप्लीट होके रखी हुई है, इसको कलर भी हुआ है, यहाँ तेल भी लगा हुआ है। अभी समझो कि एक हाथ लगा है इसको तेल का, दूसरा हाथ लगेगा एक माह के बाद, जब तक ये उतरेगी तब तक इसको तकरीबन 3 या 4 मरतबा तेल लग जाएगा। तेल लगा हुआ होगा तो खुश्क होकर अकड़ेगा नहीं और उसको पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तेल लगा हुआ होगा, उसके कुछ हिस्से में तेल होगा तो उसको पानी जो है वो ख़राब नहीं करेगा, इसीलिए उसको तेल लगा। कलर उसका कंप्लीट हुआ हुआ है। ये है 23 फीट लंबी है, पठान इसका 23 फीट का है, इसकी 2.5 समझो के नीचे की चौड़ाई है एक साइड की, और ये 4 फीट में है, इसकी ऊँचाई 4 फीट में है। इसकी छत भी बनी हुई है जो हम धूप में ज़्यादा जून जुलाई में धूप होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं इसको, और बारिश में इसके ऊपर तरपाल डाल के इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बारिश अंदर ना आए, क्योंकि यहाँ चूल्हा भी रखा हुआ होता है, इंजन भी रखी हुई होती है तो उसमें पानी ना जाए। कश्ती तैयार होने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और मखसूस नंबर दिया जाता है जिसे मुकामी जुबान में कौल कहते हैं। कश्ती को पानी के थपेड़ों के सुपुर्द करने से कबल मर्केंटाइल डिपार्टमेंट इसकी फिटनेस चेक करता है। कश्ती बॉडी या इंजन वगैरह में ऐसी कोई खराबी तो नहीं जिससे इंसानी जिंदगियां खतरे में हों। जो कि मर्कल टाइल पे इसके पेपर बनते हैं, वहां से हमें नंबर मिलता है इसका, फिर उसके हिसाब से इसका कोल बनता है, उसके बाद फिर हम यहाँ अपने ये हैं कस्टम वाले, इनके पास जाएंगे, वो हमें सतमी बना के देंगे, उसके बाद ये जाके चलेगी। ये नंबर मिलता है हमें जो इस पर लिखा हुआ होता है। कराची में कश्ती साजी की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। ये
ये फ़न आया था तकरीबन अरब कंट्री से, यहाँ का तो ये है नहीं, पहले समझो कि वहाँ बनती थी, उसके बाद वहाँ से ये फ़न यहाँ आया अरब कंट्री। जब दबील बंदर पे हमला हुआ सन मेरे ख़्याल में 625 ईस्वी में, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ पे पानी के थ्रू दबील बंदर पे जब उन्होंने हमला किया तो उनकी फ़ौज जो है वो पानी के थ्रू यहाँ सिंध में आई थी, तो बाकी जो बड़ी किश्तियों का जो रवाज है वो वहाँ से भी शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा जो इंडिया का साइट है गुजरात का, तो छोटी किश्तियाँ उनकी भी थी, उनकी भी बनती थी उससे पहले, लेकिन वो छोटे पैमाने पर, लेकिन बड़े पैमाने में उसके बाद बनना शुरू हुई। बनाई जाने वाली छोटी बड़ी कश्तियां न सिर्फ मछली के शिकार में इस्तेमाल होती हैं, बल्कि मुल्क बैरून मुल्क माल बर्दारी या कार्गो के काम भी आती हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें जाती हैं, जैसे यहाँ से अपना सब्जी गई, अपना फ्रूट गया, वहाँ से फिर वापसी उसमें सामान रख के लाते हैं जो हमारे इस्तेमाल में होता है। 17 से 90 फीट तक की कश्तियां तैयार की जाती हैं, जिस पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक लागत आती है। लेकिन ये भी साइज साइज के ऊपर है। अब छोटी साइज से 10-12 लाख से शुरू होती है, और जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी उसकी लागत जो है बढ़ती जाएगी। बड़ी बड़ी कश्तियां बीच समंदर में दोनों हफ्तों और कभी कभी महीनों कयाम करती हैं, इसलिए इसमें मौजूद लोगों के लिए न सिर्फ खाने पीने का इंतजाम रखना पड़ता है बल्कि ईंधन का जखीरा भी रखना पड़ता है। एक से डेढ़ माह तक तो वो तुम उसमें गुजार सकते हो, बाहर समुंदर में 2 माह भी गुजार सकते हो, जिस हिसाब से समझो कि तुम्हारा राशन होगा या तेल होगा डीजल, उसके हिसाब से फिर वो टाइम निकलता है। ये अपना लॉन्च का केबिन होते हैं, पहले हम लोग बनाते फ्रेम, उसका बाद बनाते भाई ये अपना नक्शे मक्शी लगा रहा हूँ, फिर उसका बाद जो है ना लॉन्च पे चढ़ा रहे, सीजन वीजन बनेगा, अपना खिड़की मिड़की भी बनाएगा, फिर उसके बाद जो है ना ये 2 दरवाज़ा है, इसमें दरवाज़ा भी बनेगा, फिर वो उसका स्टीयरिंग भी लगेगा, फिर तैयार हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ऊपर चढ़ेगा। गोया कश्ती को जदीद से जदीदतर बनाने और इसमें सहूलियात फराहम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। कश्ती की तैयारी के बाद इसमें सहूलियात की कोई कमी नहीं होती, अगर कोई कमी होती है तो सिर्फ इन फूल पत्तियों और दिल लुभाने और आंखों को सुकून बख्शने वाले इस काम की, जो इंसान की हिस्से जमालियात का अक्कास होता है। तमाम काम मुकम्मल होने के बाद इस पर आर्ट के खूबसूरत नमूने बनाए जाते हैं। बेपनाह मेहनत, महारत और बहुत से मराहिल से गुजरकर अजीम शान इमारत नुमा लांच तैयार हो जाती है। ये खूबसूरत अजीम उलजस्सा लांच 45 फीट लंबी, 15 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है, जो माहिर कारीगरों के फन महारत का उम्दा नमूना है।
और ये तकरीबन 47 फुट इसकी लंबाई है और इसकी हाइट जो है वो 15 फुट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 24 फुट है। ये लांच बिल्कुल तैयार है। ये जो है ये कैबिन इसको कहते हैं, इसमें नाखुदा और ड्राइवर जो है वो इसमें होते हैं। एक तरफ इंजन का पैनल लगा होता है जो इंजन की आरपीएम, इंजन के हार्स पावर और नॉटिकल मेल के हिसाब से दिखाता रहता है। दूसरा इसमें नेविगेशन लगा हुआ है जो सारा इलाका दिखाता रहता है। तीसरा फिश पाउंडर लगा हुआ है जो नीचे की सूरत हाल, चट्टाने हैं, पानी कितना गहरा है, वो सारी चीज़ें दिखाता रहता है। फिर ये जब तैयार होकर बाहर जाएगी तो फिर ये एक मंथ के लिए समंदर में आराम से रह सकती है 30 और 40 लोगों के साथ। आइए मैं आपको दिखाऊं कि केबिन क्या है। जो ये केबिन है इसका, जिसमें बरसात हो, कोई मोजा हो, तो इसमें नाखुदा बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल महसूस रहते हैं और इसी यहीं से ही कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इसका कंट्रोल सिस्टम लगता है पूरा, तो अभी वो निकाल के रखा हुआ है, तो जब ये उतारेंगे तो इसको लगा देंगे। तो ये सारा वो रूम है जिसमें 4, 5, 6 आदमी आराम से बैठ कर इस लांच को ऑपरेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊँ। लांच का इंजन रोड बिल मंजिला है जिसमें इंजन के अलावा पानी और डीजल वगैरह को स्टॉक करने के लिए टैंक बनाए गए हैं और 450 हॉर्स पावर का इंजन नस्ब है। तकरीबन 4000 गैलन इसका जो है डीजल का स्टॉक है और 2000 से जायद जो है वो पानी का जो है वो स्टॉक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेन इंजन है वो बिल्कुल नीचे ये लगा हुआ है। ये मैरिन इंजन है जो हमने इसको मैरिन बनाया है। कैटरपिलर 3406 का इंजन है, 450 हॉर्सपावर का। ये वो इंजन है जो इस पूरी लांच को चलाएगा। तो सारा दारोमदार इस इंजन पे होता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि एक शाफ्ट के थ्रू पीछे पलपोर लगा होता है जिससे ये लांच चल पड़ती है। बाकी ऊपर जो खिड़कियाँ हैं ये ऑक्सीजन के लिए है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन आता रहे। इंजन लगाना ये हर किसी का काम नहीं है कि इसको कोई लगा सके। इसमें बहुत ही हिसाब किताब होता है क्योंकि इसकी ज़मीन हमवार नहीं होती और उसको एक टेक्निकल तरीके से जो है वो करना पड़ता है ताकि इंजन सही तरीके से बैठ जाए और शाफ्ट का लेन जो है वो बिल्कुल थ्रू हो जाए। अगर वो थ्रू नहीं होगा तो फिर इंजन गर्म होना शुरू होगा और परपुलर अगर सही नहीं होगा तो फिर वाइब्रेशन इसमें होगी। तो ये है कि इसमें इंजन बिल्कुल जो है थ्रू होगा ताकि वो आराम से और सही तरीके से चल सके। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मछली स्टोर होती है। अब ये वो होल है जो हमारा फिश होल उसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में। जिसके अंदर दाएं बाएं जानिब 6-6 खाने बनाए जाते हैं जिसमें शिकार की गई मछली को ताज़ा रखने के लिए बर्फ लगा कर रखा जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो जगह है तकरीबन 5 फुट चौड़ी और 24 फुट लंबी, वो इन खानों में जो बंदा काम करेगा वो इसी में चलेगा, इनके पार्टियाँ निकालेगा, मछली लगाएगा, बर्फ निकालेगा, तो वो सारा काम जो है इसी में होगा। जब इसका काम हो जाएगा तो इसके डबल ढक्कन है। एक ढक्कन ये है
एक का हिस्सा ये लगा हुआ है, ये दोनों इसको बंद कर देंगे ताकि बर्फ़ का प्रेशर जो है तो वो बरकरार रहे और बर्फ़ को मज़ीद हवा ना लगे ताकि वो पिघलने लगे। अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे लोगों की रिहाइश और खाने पीने का सामान रखा जाता है, तो आइए मैं आपको वो जगह दिखाऊं। अब ये है वो जगह, तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा ताकि मैं ये भी आपको बताऊं कि इसमें लोग किस तरह रखते हैं अपना खाने पीने का, बाकी ज़रूरियात का सामान जो है वो किस तरह रखते हैं। तो ये है वो जगह, जब ये आएंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पे बेंच बने हुए, ये लोगों के सोने की जगह है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे जो खाना है, खाना नीचे जो है जगह है, वहाँ इनका ज़रूरत का सामान राशन वगैरह जो भी है वो पूरे इस जगह में महफूज रहता है। और जब लोगों की शिफ्टें बदली होंगी तो एक शिफ्ट जब जाएगी अपने काम पे तो बाकी शिफ्ट जो आराम में होगी वो इस कमरे में आके आराम से सो जाएगी। देखिए, समंदर में गर्मी नहीं होती, आपको ये बताऊं कि समंदर में जब लांच पानी में चारों तरफ पानी होता है तो फिर इतनी गर्मी नहीं होती। वैसे जब ये उतरेगा तो यहाँ पे फैन लगेंगे, वो हवा करते रहेंगे, जैसे हम कमरे में फ़ैन लगाते हैं इसी तरह बैटरी से चलने वाले यहाँ दो फैन लगेंगे जो लोग यहाँ से आराम से रह सकें। इसके नीचे जो जगह इस तरफ, ये लांच का बाकी जो सामान है, रस्सियाँ वगैरह, ये डबल मंजिला है। ये भी एक मंजिल पे हम ऊपर बैठे हुए, एक मंजिल नीचे है। इस मंजिल में रस्सियाँ वगैरह, लांच के एंकर और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, सामान है जो फिशिंग से वाबस्ता है, वो इसी जगह रखा जाएगा। तो ये है एक कस्म का उनका स्लीपिंग रूम और उनका राशन का स्टोर रूम। स्ट्रिंग रूम है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, लांच को चलाने वाला जो होता है, जो लांच को जो चलाता है उसको रास्ते का पता होता है कि हमें कहाँ जाना होता है, किधर जाना होता है, कौन से जो ना एरिया में जाता है, समुद्र के किस क्रिक्स में जाता है। तो इसको जो ना स्ट्रिंग रूम कहते हैं, जिसमें जो ड्राइवर जो गाड़ी का जो हैंडल होता है, ये हैंडल है, पूरी लांच को यही चलाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इंजन रूम जो होती है। ये जो है इंजन है पूरी, ठीक है। यहाँ पे जो तेल की जो टैंकियाँ वो भी यहाँ पे इसके नीचे हैं, एक ये एक उस साइड पे। इसमें जो ना लाखों रुपए का तेल आता है जो ये बर्दाश्त करती है, तो एक महीने के बाद जो ये वापस जब आते हैं तो ये तेल इसका स्टॉक होता है बिल्कुल। जब तक तेल होगा तो इंजन भी चलती रहेगी। और यहाँ पर दो ड्राइवर बैठते हैं इंजन चलाने वाले, और इस वक्त यहाँ पर इतनी गर्मी है ना, तो आप बड़ी मुश्किल से ये गुजार जो ना गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे हवा भी कम आती है, घुटन भी होती है, परेशानियाँ तो है एक महीने तक जो ना यहाँ बैठना। और ये इंजन जो है यहाँ से निकलती है तो मेरे ख्याल में एक महीने तक ये इंजन चलती रहती है, 24 घंटे बंद नहीं होती। फिर दोबारा जब ये आते हैं एक महीने के बाद तो इंजन आगे यहाँ बंद करते हैं। तो ये सारा जो ना मैं फिर आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मछली जो ना स्टॉक की जाती है। ये था इंजन रूम। अभी आपको वेंच सिस्टम दिखाता हूँ जो जाल को खींचता है। जब ये जाल समुद्र के अंदर डालते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो फिर जो ना वो ये वेंच ही काम करता है। पहले तो किसी ज़माने में जो ना वेंच नहीं हुआ करता था, लोग ही खींचते थे। इस वक्त जो ना टेक्निकल दौर है, साइंस का दौर है, तो उसको जो ना ये वेंच ही जो ना जाल को खींचता है, और ये मेन किरदार अदा करता है जो जाल को खींचते हुए। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो बर्फ़, ये है बर्फ़ जिसमें पिसाई की जाती है ना, जब मछली को अगर कोई बर्फ़ लगानी होती है तो इसी के अंदर जो ना ये इंजन चालू करके बर्फ़ जो ना इसमें जो ना पीस कर फिर इसको जो ना जब फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो टैंकी है, ये जो टैंकी है ये फ्रीजर है जिसमें जो ना मछली इसको बिल्कुल स्टॉक की जाती है।
इसमें जो मछली अगर स्ट्राइक करते जब एक महीने के बाद आते हैं तो इसमें जो ना मछली को बर्फ़ लगा के इसको जो ना यहाँ पे स्टॉक कर देते हैं। इसके एक महीने के बाद फिर ये जेटियों पे आते हैं मछली बेचने के लिए, फिर निकाल कर बेचते हैं ना। फिर आपको अभी मैं दिखाता हूँ जो किचन इन लोगों का, यहाँ पे जो खाना पकाया जाता है, और ये ख़ास तौर पे जो एक महीने तक जब ये समुंदर के अंदर रहते हैं तो इसके अंदर ये खाना भी पकाते हैं, चाय भी पकाते हैं, और जो ना ये इनका भंडारी होता है जो पकाने वाला होता है। अभी आपने किचन तो देखा, अभी आपको मैं जाल दिखाऊंगा जो मछली पकड़ता है इनके, जो उसको कहते हैं गुजा जाल, वाइड नेट, वो आपको ऊपर में दिखाता हूँ। ये जाला जो मछली पकड़ने का जाल होता है, और ये इसीलिए ऊपर रखते हैं कि जब ये वापस आते हैं समुद्र से वापस आने के बाद इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इधर रख देते हैं। उसके बाद ये इनकी जो ना जब कोई नमाज़ पढ़नी होती है फिर इसके ऊपर ये नमाज़ भी पढ़ते हैं, और कुरान शरीफ भी रखा हुआ है इन लोगों का, ख़ास तौर पे जिनको कुरान पढ़ना आता है वो अंदर कुरान का दौर भी करता है वक्त, बिल्कुल जो ना कुरान की आयतें वगैरह पढ़ते हैं, नमाज भी इधर पढ़ते हैं, अजान भी देते हैं यहाँ पे। तो ये सारी सूरत हाल इस लॉन्च की ना, यहाँ पे सो भी जाते हैं आराम से सुकून से रात के टाइम पे। एक महीने के बाद जब आती हैं तो यहीं रुक जाती है, फिर मछली वगैरह उतारने के बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर ये 4-5 दिन फिर ये तैयारी करते हैं, फिर ये तेल डलवाते हैं, राशन डलवाते हैं, राशन डलवाने के बाद जो है ना फिर ये तैयारी करते हैं समुद्र में जाने के बाद, फिर जो ना एक महीने के बाद आते हैं ये। बिलाशुबा कश्ती साजी का हुनर हजार हा साल पुराना है। हजारों साल पहले अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र इस्लाम तारीख का हिस्सा है। कश्ती बनाने का एक अपना अलग टेक है कि किस तरह पार्टियों को पार्टी से मिलाया जाए ताकि पानी ना आए, किस तरह उसमें मजबूती आए, किस तरह जो है लांच का या कश्ती का बैलेंस जो है पानी में बरकरार, मौजों में बरकरार रख सके। तो ये जो उस ज़माने के उस्ताद थे उनसे वो शागिर्द सीखते आ रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ उस ज़माने में 2-4 उस्ताद थे, अभी जो है वो 50-60-100 उस्ताद हैं। पाकिस्तान में हुनर उस्तादी और शागिर्दी के जरिए आगे बढ़ रहा है। अगर इस हुनर को जदीद और मजबूत तरीकों में ढाला जाए तो ना सिर्फ बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि कश्ती साजी के फन को मजीद जिला भी मिलेगी।